झारखंड के अलग अलग इलाकों में जंगली हाथियों का कहर बदस्तूर जारी है। कभी हाथियों द्वारा लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो कभी लोगों की जान ले ली जाती है। ताजा मामला गुमला के चैनपुर प्रखंड का है, जहां इन दिनों हाथियों द्वारा जमकर उत्पात मचाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी दहशत है। हाथियों ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे राशन को चट कर गए। वहीं धान की फसलों को भी हाथियों ने रौंद दिया। हालांकि ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को लगभग 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद जंगल की ओर खदेड़ दिया है। अभी भी हाथी गांव के आसपास के जंगल में घूम रहे हैं, जिससे ग्रामीण डरे सहमे रहने को मजबूर है। हालांकि गुमला DFO ने बताया कि हाथियों से बचाव को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे ग्रामीण अपनी सुरक्षा खुद कर सके। बता दें कि झारखंड में पिछले 5 वर्षों में हाथियों ने करीब 254 से अधिक लोगों की जान ले ली है और हाल के कुछ वर्षों में हाथियों का हमला बढ़ा है। वहाँ पर अभी कुल मिला के 3 से 4 हाथी हैं, जो जाली का क्षेत्र बताया है, यहाँ पर 2 हाथी हैं और जो कामडाड़ा का क्षेत्र है, जहाँ सिमडेगा फूटी का और गुमला का ट्राई जंक्शन है, वहाँ पर ठंड के समय में बड़े झुंड, जैसे 17 से 20 हाथियों का झुंड आवागमन करके कुछ महीने रहता है। तो इस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें। हाथियों का जो ट्रेडिशनल रूट है उसको बदलना काफ़ी मुश्किल है, वो वहाँ से जाएंगे। सावधानी बरतना ही एक सोल्यूशन है। इसके लिए हम जागरूकता टॉर्च बहुत वृहद पैमाने पर दिए गए हैं और अब बांकुड़ा की टीम से उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि लोग खुद की सुरक्षा भी कर सकें। पटाखे, मशाल, मोबिल, ये सब समय समय पर दे दिया जाता है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।